Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel, Janagar Madam. I, Janagar Madam, and you are watching on Janagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely fit and fine. In today's video, I'm gonna teach you advanced English structure. Okay, today is day 4, advanced English structure. तो guys, day 4 में हम लोग आ चुके हैं और डे 4 में कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेकर के आए हैं जो कि अपने डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं इन सारे सेंटेंसेस को. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यू हैव टू स्टैंड दिस वीडियो टिल द एंड प्रैक्टिस विद मी. गाइस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है. आज का जो मैं सेंटेंस लेकर के आई हूं बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है. तो देखिए कौन सी ऐसी सेंटेंस है जो हमारे माइंड को कंफ्यूज करता है. तो सेंटेंस कुछ इस तरीके की है. देखिए, जरूर तुमने ही गलती किया होगा. जरूर तुमने ही गलती किया होगा. जरूर तुमने ही पैसा चोरी किया होगा. जरूर तुमने ही उसे फंसाया होगा. जरूर आपने ही उसे फोन किए होंगे. जरूर आपने ही उसे फोन किए होंगे. जरूर तुमने ही बदमाशी किया होगा. जरूर तुमने ही उसे धक्का दिया होगा. जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा. जरूर तुमने ही राधिका को भगाया होगा. जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ किया होगा. तो गाइस इन सारे सेंटेंस को आप अच्छे से सुन लिए ना. तो सुन लिए है तो देखिए इन सारे सेंटेंस में आप ये चीज नोटिस किए होंगे. जरूर 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 वाक्य के शुरू में क्या आया हुआ है. सेंटेंस के शुरुआत में क्या आया हुआ है. जरूर जरूर. तो जरूर सारे सेंटेंस में क्या है कॉमन है. और एक चीज देखिए कंफ्यूज करने वाली बात क्या है. इस सेंटेंस के एंड में क्या है होगा होगा. तो आप ये मत समझिएगा कि ये फ्यूचर की सेंटेंस है. आपको गागी गे पे नहीं जाना है. आपको सेंटेंस के सेंस पे जाना है. सेंटेंस हमें बता क्या रही है थोड़ा ध्यान से सुनिए. जरूर तुमने ही गलती किया होगा यानी कि गलती करने वाला जो कार्य है वो बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है यानी कि पास्ट की बात हो रही है. और पास्ट की जो बातें जो हो रही है उसको हम प्रेजेंट में खड़े होकर के ठीक है प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के अंदाजे के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है वो भी आप पक्के वाला अंदाजे में लगभग 90% श्योर होकर. जब आप 90% श्योर हो ठीक है अंदाजा लगा रहे हैं 90% श्योर होकर के प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात को बता रहे हैं. ठीक है बीते हुए समय की बारे में बता रहे हैं प्रेजेंट में खड़े होकर के. ठीक है तो जरूर के लिए आप मस्ट का यूज करेंगे. जरूर के लिए क्या यूज करेंगे मस्ट का. एंड जब आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के अंदाजे के बारे में 90% श्योर होकर के आप जब बताते हैं तो उस कंडीशन में आप मस्ट हैव का यूज करेंगे. क्या चीज का यूज करेंगे मस्ट हैव का यूज करेंगे. बीते हुए समय की जो भी बात है ठीक है उसमें आप 90% क्या है श्योर है. ठीक है पक्के वाला अंदाजे में. ठीक है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे मस्ट हैव का यूज करेंगे. तो गाइज आपको सेंटेंस पे नहीं जाना है. सेंटेंस के सेंस पर जाना है. सेंटेंस बता क्या रहा है. ठीक है तो सेंटेंस से हमें यह पता चल रहा है कि प्रेजेंट में खड़े हैं प्रेजेंट में है और पास्ट की बात कर रहे हैं वो भी 90% श्योर होकर के आई मीन पक्के वाला अंदाजा में. ठीक है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे मस्ट हैव का यूज करेंगे.
जैसे देखिए, मस्ट हैव का प्रयोग कब करेंगे? जब आप 90% श्योर हो, ठीक है, वो भी पक्के वाला अंदाजा। इस चीज को माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। जब आप 90% श्योर हो तो उस कंडीशन में आप मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। यदि आप उससे कम श्योर हो, जैसे 50%, तो उसमें आप मे हैव का प्रयोग करेंगे। जब आप 50% श्योर हो, मतलब मस्ट हैव से कम श्योर हो, ठीक है, कम। और जब आप मे हैव से भी कम श्योर हो, तो उस कंडीशन में आप वुड हैव का यूज करेंगे, ठीक है। जब इससे भी कम, जैसे शायद पे चले जाइएगा, शायद इसने ही गलती किया होगा, मतलब सबसे कम श्योर जब आप रहेंगे, तो आप उस कंडीशन में माइट हैव का यूज करेंगे, शायद। तो इस चार्ट को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब आप 90% श्योर रहेंगे तो मस्ट हैव का यूज करेंगे, जब आप उससे कम श्योर होंगे तो मे हैव का, और उससे भी कम श्योर होंगे तो वुड हैव का, और उससे भी कम मतलब शायद, तो उस कंडीशन में माइट हैव का यूज करेंगे। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब आप प्रेजेंट में खड़े होके, प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के अंदाजे के बारे में जब बात करेंगे, ओके, वो भी पक्के वाला अंदाजा में, आई मीन 90% श्योर होकर के, तो उस कंडीशन में आपको मस्ट हैव का प्रयोग करना है। तो आज के इस क्लास में मस्ट हैव का यूज करना सीखेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ओके। तो अभी तक मैं जो समझाई हूँ गाइस, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, आपको समझने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो पहले आप कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ओके। तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट मस्ट प्लस हैव, मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको यूज करना है, एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए बिना देरी किए सेंटेंस को बना सीखते हैं। जरूर तुमने ही गलती किया होगा, जरूर तुमने ही गलती किया होगा। तो सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तुमने, यू यू, उसके बाद मस्ट हैव का यूज करना है, मस्ट हैव, मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया क्या है? गलती किया तो मेड, उसके बाद किया, ठीक है, गलती मिस्टेक होती है इसकी इंग्लिश, गलती की इंग्लिश क्या होती है? मिस्टेक, अ मिस्टेक,
यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। तो गाइज मैं एक सेंटेंस को दो बार बोल रही हूं, फर्स्ट टाइम आपको लिसन करना है एंड सेकेंड टाइम में आपको मेरे साथ साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है और ये सारे सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन में लाना है, तब जाके आपकी भी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन में नहीं लाइएगा, तब तक आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, जरूर तुमने ही पैसा चोरी किया होगा। तो पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट तुमने, यू, उसके बाद कैसे का यूज करना है, मस्ट हैव, मस्ट हैव। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो वर्ब क्या है, चोरी किया, चोरी, ओके। तो चोरी की इंग्लिश क्या होती है, स्टील। तो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोलेन। स्टोलेन ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा, द मनी। यू मस्ट हैव स्टोलेन द मनी, यू मस्ट हैव स्टोलेन द मनी। जरूर तुमने ही पैसा चोरी किया होगा, जरूर तुमने ही उसे फंसाया होगा। यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव फंसाया की इंग्लिश होती है थर्ड फॉर्म में, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड उसे, हिम। यदि लड़का होगा तो हिम का यूज करेंगे, यदि लड़की होगी तो यहां पे आप हर का यूज करेंगे। कैसे का यूज करेंगे, हर का। यू मस्ट हैव ट्रैप्ड हिम, यू मस्ट हैव ट्रैप्ड हिम। यदि लड़की होगी तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट हैव ट्रैप्ड हर, यू मस्ट हैव ट्रैप्ड हर। हर की स्पेलिंग क्या होती है, एच ई आर, हर। लड़का होगा तो हिम करेंगे, लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, जरूर आपने ही उसे फोन किए होंगे, जरूर आपने ही उसे फोन किए होंगे। तो आपने की इंग्लिश होती है यू, उसके बाद मस्ट हैव, मस्ट हैव फोन किए होंगे, तो क्या हो जाएगी, कॉल्ड, कॉल मीन्स क्या होता है, फोन करना होता है, तो कॉल्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम, यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम। लड़का होगा तो क्या करेंगे, हिम का यूज करेंगे, यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम। यदि लड़की होगी तो आप क्या बोलेंगे उसको, हर बोलेंगे, हिम के जगह पे यू मस्ट हैव कॉल्ड हर, यू मस्ट हैव कॉल्ड हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, जरूर तुमने ही बदमाशी किया होगा, जरूर तुमने ही बदमाशी किया होगा। तो क्या हो जाएगी, तुमने की इंग्लिश यू, उसके बाद मस्ट हैव, यू मस्ट हैव बदमाशी किया होगा, डन द मिसचीफ, यू मस्ट हैव डन द मिसचीफ, यू मस्ट हैव डन द मिसचीफ। जरूर तुमने ही बदमाशी किया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, जरूर तुमने ही उसे धक्का दिया होगा,
जरूर तुमने ही उसे धक्का दिया होगा, तो क्या हो जाएगी, यू मस्ट हैव, क्रिया क्या है, धक्का, तो धक्का की इंग्लिश क्या होती है, पुश, थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, पुश्ड, पुश्ड उसे, क्या है, ऑब्जेक्ट है, हिम, यू मस्ट हैव पुश्ड हिम, यू मस्ट हैव पुश्ड हिम, यदि लड़की होगी तो क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, जैसे यू मस्ट हैव पुश्ड हर, यू मस्ट हैव पुश्ड हर, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। तो गाइज ऐसी सेंटेंसेस को आप डेली रूटीन में बोलते होंगे, बोलते हैं कि नहीं, हाँ बोलते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगी, यू मस्ट हैव कहा होगा, तो से मीन्स कहना होता है, तो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, सेड, यू मस्ट हैव सेड कुछ, ऑब्जेक्ट है, समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ होता है, यू मस्ट हैव सेड समथिंग, यू मस्ट हैव सेड समथिंग। तो गाइज मेरी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है, यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइज मैं बिल्कुल इजी वे में सिखा रही हूं, ओके, तो बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव भी करते रहिए और इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन में लाते रहिए, सीखते रहिए, ओके। तो गाइज ज्यादा सेंटेंसेस को लेकर के नहीं आई हूं, बस नाइन सेंटेंस है। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जरूर तुमने ही राधिका को भगाया होगा, जरूर तुमने ही राधिका को भगाया होगा, तो क्या हो जाएगी, यू मस्ट हैव भगाया होगा, तो भगाया होगा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चेस्ट अवे, चेस्ट अवे, उसके बाद क्या है, राधिका ऑब्जेक्ट है, यू मस्ट हैव चेस्ट अवे राधिका, यू मस्ट हैव चेस्ट अवे राधिका, चेस्ट मिस भगाना होता है, ओके, तो थर्ड फॉर्म में चेस्ट हो जाती है, यू मस्ट हैव चेस्ट अवे राधिका। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ किया होगा, जब बोलना हो जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ किया होगा तो कैसे बोलेंगे, यू मस्ट हैव डन, किया होगा डन, ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ गड़बड़, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो गाइज मैं आप सबको एक दो सेंटेंस दे रही हूं होमवर्क के रूप में, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप सीखे हैं कि नहीं, और मुझे नहीं लगता है
कि आप नहीं सीखे होंगे। तो चलिए मैं आप सभी को सेंटेंस दे रही हूं। जरूर जरूर आपने ही कमेंट किए होंगे, जरूर आपने ही कमेंट किए होंगे, जरूर आपने ही कमेंट किए होंगे। एक और सेंटेंस दे रही हूं, जरूर तुमने ही ऐसा किया होगा, जरूर तुमने ही ऐसा किया होगा, जरूर तुमने ही ऐसा किया होगा। तो दो ही सेंटेंस दिए हैं, इसको आपको बना करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो गाइस ये दोनों सेंटेंस आपके लिए हैं, आपके लिए होमवर्क दिए हैं। इन दोनों सेंटेंस को आपको बना करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो गाइस मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।